हेलो एवरीवन, मोर स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पंज रसगुल्ला, और वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जो बिल्कुल भी सुखड़ेगा नहीं और बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, 3 कटोरी चीनी और 1 लीटर पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हमने दूध को गैस पर रख दिया है और एक उबाल आने तक इसको पका लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसको फाड़ने का प्रोसेस करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस को कर देंगे बंद। अब हमने कटोरी में 3 चम्मच पानी लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे सिरका। और अब हम दूध को फाड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए चलाना है ताकि हमारे दूध को फट जाए और ताकि उसमें छेना बन जाए। ये देखिए, दूध फट चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए, हमारा छेना तैयार हो चुका है। हमने इसे मलमल के कपड़े में आधा घंटे के लिए टांग दिया था। ये देखिए, अब हम इसे हाथ की सहायता से नरम कर लेंगे। यहाँ से हमें इसे मसलना है 5 से 7 मिनट। 5 मिनट हो चुके हैं इसे बाइंडिंग करते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर फैलाते हुए। इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। 5 मिनट इसे और मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लावर डालने के बाद। हमने सारे छेने की छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं और 1 लीटर दूध में कम से कम 10 या 11 बॉल्स बनेंगी। ध्यान रखें कि इसमें कहीं भी दरार ना आए। ये देखिए, अब हमने गैस पर पानी रख दिया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे घोल लेंगे। फ्लेवर के लिए हम इसमें 1 चम्मच केवड़ा जल पा देंगे और मिक्स कर लेंगे। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें एक एक करके बॉल्स डालेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे 10 मिनट ढककर पकाएंगे। आपको चाशनी पतली ही रखनी है, मोटी नहीं करनी है, नहीं तो अपना रसगुल्लों के अंदर चाशनी नहीं जा पाएगी। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे 10 मिनट। ये देखिए, हमारे रसगुल्ले खुलकर डबल हो चुके हैं। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं। चाशनी में बड़े बड़े ये सुंगड़ जाते हैं ठंडे होने के बाद, तो हम इसे एकदम उबलते उबलते पानी में से ये एक एक करके निकालेंगे और इधर बर्फ़ वाले पानी में एकदम डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। ये देखिए, हमारे रसगुल्ले कितने स्पॉन्जी बने हैं। 5 मिनट इसे इसी में ही पड़े रहने दीजिएगा और इतने हमारी चाशनी भी ठंडी हो जाएगी। रसगुल्ले ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे निचोड़ कर एक बॉल में निकाल लेंगे। हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको रसगुल्लों के ऊपर डालेंगे। हमारे स्पंज रसगुल्ले तैयार हैं। हमने इसे केसर से गार्निश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।